कल हम लोगों ने क्या किया था? दो तीन रिलेशंस करे थे हमने वेव के, कैरेक्टरिस्टिक्स करी थी वेव की, है ना? और कैरेक्टरिस्टिक्स वेव की जो हमने करी उस पे हमने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स करे थे? लैम्डा, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ऑफ लाइट, फिर उसके बाद वेव नंबर और उसके बाद एम्पलीट्यूड. रिलेशनशिप भी करा दोनों के बीच में, वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में. और क्या आपका रिलेशनशिप है? लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू. ठीक है. सो आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो थी वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल. जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इसने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बताया था. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जैसे कि नाम बता रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सो वो रेडिएशंस जो साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपोज की जाती है उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बुलाते हैं. ठीक. सो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो हमारी हुई, लेट्स सी किस तरह से हम वेव बनाएंगे. अगर ये आपका एक कोऑर्डिनेट है, थ्री कोऑर्डिनेट्स होते हैं स्पेस में, ये आपका दूसरा कोऑर्डिनेट है और ये आपका तीसरा कोऑर्डिनेट है. कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं? एक्स, वाई एंड जेड. ठीक. सो हम बोल रहे हैं कि दिस इज योर एक्स, वाई, जेड, राइट. अब ये इसमें जब आपकी दो कॉम्पोनेंट्स रहते हैं, वन इज योर इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट ऑफ द वेव और दूसरा इज द मैग्नेटिक कॉम्पोनेंट ऑफ द वेव, दोनों जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्रीज टू ईच अदर. ओके. सो अगर हम बनाए आपका एक वेव, आपकी इसी तरह से बनती है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव. ठीक है. फिर उसके बाद आपका अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव एंड देन अगेन योर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव एंड देन अगेन योर अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव. लेट्स से कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है. जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा. सो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? एट 90 डिग्रीज टू द इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट. ओके. सो आप देख रहे हो कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है. फिर से इंटरसेक्ट कर रहा है. और ये अगेन इट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट. ये आपका जो यहां पे आ गया मैग्नेटिक फील्ड कॉम्पोनेंट. ठीक है. अब अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है ये क्या बोलता है कि दीज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट्स
of electric and magnetic fields propagating perpendicular to each other. यही हम यहां पे देख रहे हैं, ये 90 डिग्री यहां पे आ गई, फिर इंटरसेक्ट कर रही है, फिर इंटरसेक्ट कर रही है, फिर इंटरसेक्ट कर रही है. तो आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्रीज पे होते हैं. ओके, ये वाली जो आपकी वेव्स हैं एक दूसरे के साथ तो 90 डिग्री पे है ही, पर उसकी जो ऑसिलेशन होती है वो आपके प्रोपेगेशन ऑफ वेव के साथ भी 90 डिग्रीज पे होगी. राइट, सो आपके पास क्या यहां पे आ गया, द एंगल दैट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर. द सेकंड इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट, ट्रैवल विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ लाइट. और स्पीड ऑफ लाइट हमारी क्या है, 3 × 10⁻⁸ meters per second. Travels with a constant speed of light, that is 3 × 10⁸ meters per second. Third, the electromagnetic radiation do not require a material medium. Do not require a material medium to travel. मतलब इसका क्या हुआ कि ये electromagnetic radiations can also travel in vacuum. Vacuum क्या होता है? जहां पे एयर भी ना हो. वेरी गुड, जहां पे कुछ भी नहीं है, है ना. सो जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं, और वैक्यूम में भी जो उनकी स्पीड रहेगी वो यही रहेगी 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड. अगर थोड़ी सी चेंज प्रिसाइसली अगर हम उसको देखें तो वैक्यूम में जो उसकी स्पीड है वो 2.9 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड है, जो कि सिमिलर है टू 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड. सो देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या देखा कि स्पीड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसकी रेडिएशंस की है वो सेम, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट. सो क्या ऐसी चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जो उसको एक और दूसरे को अलग अलग दिखाती है या उसको डिफरेंशिएट करती है? वो वेव की दो प्रॉपर्टीज है, वन इज लैम्डा एंड द अदर वन इज फ्रीक्वेंसी. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, उनकी लैम्डा और फ्रीक्वेंसीज में फर्क होता है. आपको हमने करा था कि जो लैम्डा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के. तो अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी. उसी के बेसिस पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अरेंज करते हैं, और उस अरेंजमेंट को हम क्या बुलाते हैं, उसे हम बुलाते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. क्या बुला रहे हैं उसको हम, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस इन ऑर्डर ऑफ
in order of increasing wavelength or decreasing frequencies. ठीक है, अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी फ्रीक्वेंसीज डिक्रीज करेगी. तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इस तरह से अरेंज करते हैं कि हम उसे अरेंज कर रहे हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ. सबसे पहले सबसे छोटी वेवलेंथ, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में और या असेंडिंग ऑर्डर में. और फ्रीक्वेंसीज उसकी क्या हो जाएंगी? डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में. ओके, सो लेट्स सी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहां से शुरू हो रहा है. इस तरह से हम इसकी अरेंजमेंट जो है वो शो कर सकते हैं. सो वेवलेंथ से हम शुरू करते हैं. वेवलेंथ आपकी मीटर्स में दी गई है. वेवलेंथ इन मीटर्स, वी आर स्टार्टिंग विद 10 रेज टू पावर 80 माइनस 18. डिफरेंसेस डाले, ठीक है. 10 रेज टू पावर माइनस 18, 10 रेज टू पावर माइनस 14, माइनस 10, माइनस 6, माइनस 2 एंड 2, राइट. फ्रीक्वेंसी फिर हम करते हैं. फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज होगी. व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर सेकंड? सो फ्रीक्वेंसी हम शुरू कर रहे हैं 10 रेज टू पावर 26. अगेन यहां पे भी 4 4 का डिफरेंस ले लो. 10 raised to power 22, 10 raised to power 18, 10 raised to power 14, 10 raised to power 10 and 10 raised to power 6. ठीक है, so ये आपकी क्या आ गई? This is going to be the frequencies. अब सबसे पहले हम किसे प्लेस करेंगे? उन radiations को जिनकी wavelength सबसे कम है. So, जो वेवलेंथ जिसकी सबसे कम है उसे हम बुलाते हैं कॉस्मिक रेस. कॉस्मिक रेस की जो वेवलेंथ है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू पावर माइनस 18 एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू पावर 26. फिर उसके बाद आपकी आती है गामा रेस. गामा रेस के बाद आती हैं एक्स-रेस. एक्स-रेस के बाद आपका यूवी रेडिएशन आ जाता है. ठीक है, यूवी क्या हुआ? अल्ट्रा वॉयलेट जोन, राइट. फिर आपकी आ जाएगी विजिबल रीजन. इसको थोड़ा सा इस साइड को ड्रॉ करते हैं. विजिबल रीजन थोड़ा पीछे को करेंगे. राइट, यहां गया आपका यूवी रीजन और फिर उसके बाद आपका आता है विजिबल रीजन. ठीक है, विजिबल रीजन के बाद आपका आ जाएगा, दिस इज यूवी विजिबल इंफ्रारेड. ओके, इंफ्रारेड के बाद आपका आता है माइक्रो, 10 रेज टू पावर माइनस 2 पे. माइक्रोवेव्स और फिर लास्ट में आपके आ जाते हैं रेडियो वेव्स. ओके, अब जो ये सारे के सारे हम देख रहे हैं,
जितने भी हमने रीजन्स यहाँ पे प्लॉट करे हैं या पॉइंट आउट करे हैं उनमें से हमें कोई भी वेव्स नजर नहीं आती, ना हम कॉस्मिक देख सकते हैं, ना गामा देख सकते हैं, ना एक्सरेज देख सकते हैं, कोई भी हमें नजर नहीं आ रही है। हमें सिर्फ विजिबल जोन जो है वो नजर आ रहा है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स है, और वो जो कलर्स हैं वो रेंज करते हैं जिसको हम क्या बुलाते हैं, विब्रियो, जहां पे आपका वी स्टैंड फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो वी है वायलेट है उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, क्योंकि वेवलेंथ आपकी इंक्रीज हो रही है, सो जो वायलेट है उसकी वेवलेंथ होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 400 नैनोमीटर्स, और रेड की जो है इट वेरीज फ्रॉम 700 to 750 नैनोमीटर्स। सो आपका वेवलेंथ फ्रॉम 400 नैनोमीटर्स टू 750 नैनोमीटर्स पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सिर्फ यही रीजन है जिसको हम देख सकते हैं, बाकी हम किसी भी रीजन को देख नहीं सकते। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझ। अगर बाय चांस आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज, जिसमें आपका जो विजिबल रीजन है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के अंडर फॉल कर रहा है, राइट? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हमारे हैं, वो सारे के सारे वेव कैरेक्टर्स जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स उसके लिखे, उसमें हमने देखा कि वो सारे वेव कैरेक्टर्स को फॉलो कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट के साथ चल रहा है, और लाइट आपकी क्या है, लाइट इज अ वेव, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है वो, इट इज अ वेव और इट हैज वेव कैरेक्टर्स। पर एक साइंटिस्ट था जिसने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसके सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम वेव नेचर से ही एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमें कुछ और भी ऐसे नेचर उसकी लेनी पड़ती है, सच एज टू एक्सप्लेन द पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ अ वेव, ठीक है? सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो बाद में आता है, पहले जब हम लोग वेव कैरेक्टर एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो हमें जितने भी वेव के कैरेक्टर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो गया, ये सारी उसकी वेव कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करती है। बट कुछ ऐसे फिनोमिनन है जैसे आपका सिंटिलेशन इफेक्ट हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, वो वेव कैरेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो इसके लिए बोला गया कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें वेव कैरेक्टर के अलावा क्या प्रेजेंट है, कुछ पार्टिकल कैरेक्टर भी प्रेजेंट है, जिसके बेसिस पे क्या एक्सप्लेन करे सर्टेन फिनोमिनन जैसे सिंटिलेशन इफेक्ट। क्या होता है सिंटिलेशन इफेक्ट, कि अगर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं,
तो उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स पड़ जाते हैं, पढ़ा था ना आपने, किसमें पढ़ा था, रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा था। तो वो तभी हो सकता है, अगर स्पॉट तभी पड़ेगा अगर एक एक पार्टिकल डिफरेंट प्लेसेस में जाके हिट करेगा। अगर उसका वेव कैरेक्टर होता तो वो जिंक सल्फाइड की पूरी स्क्रीन को क्या कर देता, ब्लैक कर देता, पर ऐसा नहीं होता है, उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स पड़ते हैं। तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल कैरेक्टर जरूर है। ठीक, सेकेंड जो वो इफेक्ट एक्सप्लेन करता है दैट इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है आपका ब्लैक बॉडी, व्हाट इज योर ब्लैक बॉडी? एक ऐसी बॉडी जो कि सारी लाइट जो उसके ऊपर गिर रही है उसको एब्जॉर्ब कर ले और उसके बाद उस सारी लाइट को इमिट भी कर दे। तो जब वो सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेगी, विजिबल रीजन में है, जैसे सपोज अगर वो सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेगी तो हमें कोई भी कलर नजर नहीं आएगा, नहीं आएगा ना नजर, क्योंकि उसने सारी रेडिएशन तो वो एब्जॉर्ब कर लिए। फिर जब वो सारी लाइट सारी रेडिएशन इमिट करता है तो जितनी तो उसने एब्जॉर्ब कर ली वो पूरी की पूरी अगर वो इमिट करेगा तो क्या होगा, अगेन हमें प्योर रीजन का कोई भी कलर नजर नहीं आएगा, इसलिए वो क्या अपेयर होता है, ब्लैक। ठीक है, दैट इज व्हाट योर ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमें बड़ी सारी चीजें एक्सप्लेन करती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम बोल रहे हैं उसको कि वो टोटल एब्जॉर्बर है तो इसका मतलब उसने बहुत सारी रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब कर लिए, तो एनर्जी उसकी क्या होगी, बहुत इंक्रीज हो जाएगी, है ना। ऐसे ही होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक लोहे का बॉल लिया है, उस लोहे के बॉल को आप हीट करने लगते हो तो जब आप हीट करोगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि वो थोड़ा सा ऑरेंजिश सा रेड होने लग जाता है, डल रेड जिसको हम बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप और हीट करोगे तो वो येलो हो जाएगा, और हीट करोगे तो वो ब्लू हो जाएगा, और फिर अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, व्हाइट होगा कि ब्लैक होगा। सो लिखो इसके लिए एक नोट लिखो, व्हेन एवर वी हीट अ आयरन बॉल, व्हेन एवर वी हीट एन आयरन बॉल इट फर्स्ट टर्न्स dull red on further heating it becomes brighter orange, brighter and brighter orange, then yellow, white and finally blue, white and finally blue। अब ये जो ब्लू होगा, ब्लू कब होगा, दिस इज एट वेरी हाई टेम्परेचर, इट इज एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर दैट इट इज कन्वर्टेड टू ब्लू, राइट। उसके बाद लिखो, रेड लाइट हैज हायर वेवलेंथ, रेड लाइट हैज हायर वेवलेंथ एंड blue light has lower wavelength। अगर आप विबग्योर देखो तो आपका विबग्योर में R कहां आ रहा है, एट द एंड, तो हाइएस्ट वेवलेंथ जो हमारी विबग्योर रीजन में आती है वो किसकी आती है, रेड, और विबग्योर थर्ड एंड ब्लू तो उसकी जो वेवलेंथ है वो कम है। अब अगर हम लोग वेवलेंथ और एनर्जी के साथ एक रिलेशन बनाने की कोशिश करें तो हाई टेम्परेचर पे लो वेवलेंथ की रेडिएशन शो कर रही है और लो टेम्परेचर पे हाई वेवलेंथ की रेडिएशन शो कर रही है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है,
कि लैम्डा जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. लॉन्गर द वेवलेंथ, लिख लो लॉन्गर द वेवलेंथ, लोअर इज द इंटेंसिटी. यही बता रहा है हमें, लॉन्गर द वेवलेंथ लोअर इज द इंटेंसिटी एंड शॉर्टर द वेवलेंथ हायर इज द इंटेंसिटी. अब क्या होगा अगर हम इसको और हीट करते चले जाएंगे तो और लो वेवलेंथ की तरफ आता चला जाएगा. तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि अगर हम ज्यादा इंटेंसिटी उसको देखते जा रहे हैं तो ब्लू से पहले वो फिर वो इंडिगो पे आ जाएगा, इंडिगो से पहले वो वायलेट पे आ जाएगा, वायलेट से पीछे तो नहीं आ सकता. तो एक फुल स्टॉप कहीं पे लगना चाहिए. ठीक है, सो इसका मतलब इंटेंसिटी अगर हम इंक्रीज करते रहेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वेवलेंथ कमी होती रहेगी. एक कॉन्स्टेंट वैल्यू कहीं पे जाके इसकी पुट हो जाती है. तो आगे लिखो आप, एज द इंटेंसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग the wavelength keeps on becoming shorter keeps on becoming shorter and ultimately may reach the ultraviolet region. ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट पे नहीं पहुंच सकती. तो मतलब सारी रेडिएशंस उसने एब्जॉर्ब कर ली. जब इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होने लग जाती है तो उस वक्त ये रिवर्स डायरेक्शन में चलने लग जाती है. ठीक है, सो ब्लैक बॉडी क्या कर रही है, ब्लैक बॉडी रिस्ट्रिक्ट कर रही है आपकी रेडिएशंस को यूवी में जाने के लिए. सो दैट इज व्हाट योर ब्लैक बॉडी इज. सो व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी, क्या बोला हमने, इट इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड अ परफेक्ट इमिटर. जब वो इमिट करेगी रेडिएशंस तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, रिवर्स डायरेक्शन में जाने लग जाएगी. So, ये एक फर्स्ट इफेक्ट था जो कि हम लोग एक्सप्लेन कर सकते थे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल कैरेक्टर. ठीक है, सेकेंड जो हमारा इफेक्ट, थर्ड जो हमारा इफेक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोटो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का अगर हम एपरेटस देखें तो इसमें हम एक सील्ड ग्लास ट्यूब लेते हैं इस तरह से. ठीक है, एक साइड हम एक मेटल सरफेस दे देते हैं, ये आपका मेटल सरफेस हो गया. फिर इसको हमको कनेक्ट करना है टू अ बैटरी. ये आपकी बैटरी आ गई. अब करंट के फ्लो को चेक करने के लिए हम यहां पे एक एमीटर लगा देते हैं. ठीक है, और फिर हम एक यहां पे एक हम डिटेक्टर लगा देते हैं. ठीक है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल आ गया, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल आ गया. ठीक है, ये हमने क्या बोला, दिस इज अ मेटल पीस, और ये हमने क्या बोला, दिस इज नोन एज अ डिटेक्टर. अब हम क्या करेंगे कि ये जो मेटल हमने यहां पे रखा है इसके ऊपर हम लाइट डालते हैं, रेडिएशंस डालेंगे. जैसे ही हम यहां पे रेडिएशंस डालते हैं
हम देखते हैं कि एनोमीटर में रिफ्लेक्शन आ जाती है ठीक है वो रिफ्लेक्शन आपकी कब आएगी जब यहां से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट होगी अब इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या है वेव तो नहीं है इलेक्ट्रॉन्स आपके पार्टिकल है ठीक एक कंडीशन जो हमको मेंटेन करके रखनी है यहां पे वो ये है कि ये इवैक्यूएटेड होनी चाहिए इसमें कुछ भी हमारे पास प्रेशर नहीं होना चाहिए कुछ भी गैस नहीं होनी चाहिए इस मेटल के अलावा इस ट्यूब के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए जैसे ही लाइट हम इसके ऊपर डालेंगे हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन हो रही है और वो क्या शो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को शो करता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपकी तभी पास हो सकती है अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव्ड है क्लियर हो गया सो दिस इज व्हाट योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था ये एच हर्ट्ज ने दिया था एच हर्ट्ज था साइंटिस्ट का नाम सो डिफाइन करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इट इज द फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स when a light of suitable frequency when a light of suitable frequency falls on a metal falls on a metal surface, right? So this is what your photoelectric effect is. अब यहाँ पे हम एक word use कर रहे हैं, suitable frequency. Suitable frequency का मतलब क्या हुआ? कि हम किसी भी frequency की light डालें और electrons eject होने शुरू हो जाएं, ऐसा नहीं होता. एक कोई suitable frequency चाहिए होती है. उस suitable frequency को हम क्या बुलाते हैं? That is known as threshold frequency और इस threshold frequency को हम nu naught के साथ represent करते हैं nu naught के साथ represent करते हैं अब ये threshold frequency आपकी क्या हुई threshold frequency is the minimum frequency required क्या है threshold frequency minimum frequency required to eject an electron minimum frequency required to eject an electron that is what your threshold frequency is ठीक है जब ये experiment किया गया photoelectric effect का तो ये इसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग कोई भी लाइट डाल रहे हैं तो कोई असेंशन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे अंटिल एंड अनलेस हम एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इस मेटल के ऊपर नहीं डालते तब तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे ठीक है सो एक रिक्वायरमेंट क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अब अगर इलेक्ट्रॉन आपका निकला तो क्या होगा मूव करेगा और जब मूव करते हैं तो कौन सी एनर्जी पजेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी है ना सो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे हैं अब उनके पास क्या है उनके पास है काइनेटिक एनर्जी अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी ऑब्वियसली वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव करेंगे और जितने इलेक्ट्रॉन आपके ज्यादा मूव करेंगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी सो सेकेंड जो इसका ऑब्जर्वेशन है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का वो यही है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ठीक है पर एक कंडीशन इसमें अप्लाई होता है फ्रीक्वेंसी आपकी किससे ज्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
नहीं होती है तब तक आपके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे और जब तक इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे वो मूव नहीं होंगे तब तक काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी ठीक थर्ड जो इसका ऑब्जर्वेशन था कि हम जितनी भी मर्जी इंटेंस लाइट डालते रहे मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन तब तक इजेक्ट नहीं होता जब तक हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अटेन नहीं करते सो इसका मतलब जो आपका काइनेटिक एनर्जी है दैट इज independent of intensity it is independent of intensity of light ये जो second और third observation है इसको हम लोग graphically भी show कर सकते हैं तो देखते हैं हम graphically इसको किस तरह से show कर रहे हैं अगर हम kinetic energy का एक प्लॉट बना दें विद फ्रीक्वेंसी तो हम क्या बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ओनली व्हेन योर न्यू नॉट सपोज ये वाला पॉइंट आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का है ठीक है न्यू नॉट तो यहां पे आपके पास इस तरह से हम इसका ग्राफ जो है उसे दिखा सकते हैं ठीक है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी वंस व्हेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हैज बीन अक्वायर्ड और अगर हम यही ग्राफ इंटेंसिटी के साथ ड्रॉ करें आप देख रहे हो इट इज इंडिपेंडेंट इंटेंसिटी आप जितनी मर्जी इंक्रीज कर लो काइनेटिक एनर्जी जो हमारी है वो सेम रहेगी ठीक है अब इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक्स ने अपनी एक थ्योरी दे दी दैट वाज नोन एज योर जो हमने यहाँ पे लिखा है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्वांटम का मतलब होता है पार्टिकल ठीक है सो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या चीज है Let's see, ये समझ आ गया सबको प्रांजल आपको आ गया बच्चे ओके सो हमारा नेक्स्ट क्या है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कि जो एनर्जी है जो कि एक कोई भी पार्टिकल आपकी इमिट कर रहा है या कोई भी पार्टिकल एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो जो आपकी एनर्जी है वो कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब नहीं होती एब्जॉर्ब होती जा रही है और इमिट होती जा रही है वो डिसकंटिन्यूसली एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी और उस पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम क्या बताते हैं क्वांटम ठीक है सो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमें क्या बोल रहा है कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब और इमिटेड डिसकंटिन्यूअसली एंड नॉट कंटिन्यूअसली इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी in form of small packets of energy called quanta ठीक है अब इसे हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं आपने कभी क्रिकेटर्स को वॉइस दे तो जरूर देखा होगा कि जो क्रिकेटर्स होते हैं जब वो प्रैक्टिस करते हैं या टेनिस वाले भी जो प्रैक्टिस करते हैं उनके पास एक इस तरह से गन होती है उस गन के अंदर बॉल्स डाले होते हैं ना उस गन के अंदर बॉल डाले होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में बैट्समैन खड़ा है या जो भी टेनिस प्लेयर जो भी प्रैक्टिस कर रहा है वो खड़ा है
तो वो बॉल्स जो है एक-एक करके उसमें से निकलते हैं और वो उसको हिट करता है. तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही लाइन में निकल रहे, पानी की तरह तो नहीं निकलते ना. पानी की जो फ्लो है वो क्या है, वो तो कंटीन्यूअस है. अगर आप प्रेशर मेंटेन करके रखोगे तो पानी का जो फ्लो है वो कंटीन्यूअस है. इसलिए जो पानी का फ्लो होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, वेव बुलाते हैं, ठीक है. बट ओवर हियर वो बोल रहा है कि जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या वो एनर्जी इमिट करता है तो वो कैसे इमिट कर रहा है, वो इमिट कर रहा है पार्टिकल नेचर में डिसकंटीन्यूअसली, ठीक. और वो जो एनर्जी है उसको हम क्या बुला रहे हैं, क्वांटा. क्वांटा जो है दैट इज प्लूरल. सिंगुलर इज क्वांटम. और क्योंकि हम यहां पे एनर्जी की जब भी बात करते हैं हम लाइट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ लाइट हम इसको पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या बुलाते हैं, दिस इज नोन एज अ फोटोन. फोटोन इन टर्म्स ऑफ लाइट क्वांटम को ही बुला रहे हैं. फोटो मींस लाइट, ऑन मींस इलेक्ट्रॉन. सो फोटोन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो इससे हमारे को क्या डबल नेचर उसकी पता चल रही है कि उसके पास वेव नेचर भी है क्योंकि हम लोग फोटो बात कर रहे हैं और पार्टिकल नेचर भी है क्योंकि हम उसमें ऑन बात कर रहे हैं, राइट. तो उसने एक हमें रिलेशनशिप दे दिया. क्या था वो रिलेशनशिप, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. यूज योर फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किस चीज की है, लाइट. एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और E is equal to h nu, where h is known as Planck's constant and it has a constant value of 6.6 into 10 raised to power minus 34 joules second. ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी क्या होगी, अगर सपोज आपको 1 mole ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एन एच न्यू, जहां पे एन क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है. सो अगर आपको 1 mole की एनर्जी फाइंड करनी है, 1 mole ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी फाइंड करनी है, तो आपकी कैसे होगी, इज टू is equal to n is 1 mole. 1 mole में कितने particles होते हैं, 6.02 23 into h की value constant है, 6.6 into 10 raised to power minus 34 into new frequency जो भी हम light की उसके ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है. हमें अब पता है कि new क्या है, c upon lambda, ठीक है. सो E U की वैल्यू हम यहां डाल लेते हैं, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. ये रिलेशन हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के लिए काम है, ठीक है. E दैट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ओके. अब ये जो आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वो किसको सपोर्ट करती है, एक हमने पढ़ी थी कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी बाय न्यूटन, पिछले वाले टॉपिक में पढ़ी थी हमने. कॉर्पस्क्यूलर क्या होता है, पार्टिकल नेचर. तो ये आपकी जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वो सपोर्ट करती है न्यूटन की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी को. याद है पिछले टॉपिक में क्या क्या था, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी की थी न्यूटन की जिसमें उसने पार्टिकल नेचर बताया, पर पार्टिकल नेचर बहुत सारे प्रोसेसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, इस करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी वो प्रपोज की गई, ह्यून्स ने करी थी उसको, ठीक है. उसके बाद ह्यून्स ने बोला कि जो न्यूटन बोल रहा है वो बकवास है कि पार्टिकल कैरेक्टर हो ही नहीं सकता, तो प्लैंक्स ने क्या बोला कि नहीं पार्टिकल कैरेक्टर तो है. तो फिर अल्टीमेटली आपका इन दोनों थ्योरीज को कनेक्ट करके एक नई थ्योरी बनाई गई विच वॉज नोन एज योर ड्यूल नेचर ऑफ मैटर विच वी विल स्टडी इन द कमिंग क्लासेस, ठीक है. यहां तक हमें समझ आ गया है, any problem in this, पक्का 6.02 into 10 to power 23 कौन सा है, ये 1 mole की value है,
आपकी वन मोल की वैल्यू है। ठीक है, चलो फिर आज यही तो करते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? हाँ।